वृश्चिक राशि वालों नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। वृश्चिक राशि वालों मित्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वृश्चिक राशि वालों, 447 साल बाद बना यह महासंयोग, जो कि फिर से वही गुड न्यूज मिलने वाली है। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, यह गुड न्यूज सुनकर आस पड़ोस में तो हड़कंप मचेगा ही, साथ ही साथ वृश्चिक राशि वालों आपकी भी नींद उड़ा कर रख देगी। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आज शाम 5 बजे से माँ लक्ष्मी का दिया हुआ गुप्त खजाना हाथ लगेगा। जी हाँ दोस्तों, और यह बात किसी की भी कानो कान खबर नहीं होने देना, नहीं तो वृश्चिक राशि वालों लोग इसका फायदा उठा लेंगे और आप ऐसे ही देखते रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 447 साल बाद फिर से वही आजादी, फिर से वही मौज मस्ती अब आप सभी के जुनकाल में शुरू होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आस पड़ोस में नहीं, गले मोहल्ले में नहीं, पूरे राज्य शहर में अब आपका ही नाम गूंजेगा, यहां तक लोग आपकी ही ढिंढोरा पीटेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, यह बात आज आपको एहसास भी होगा और आप अपनी आंखों से भी देख पाएंगे कि सच में भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। देखिए दोस्तों, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं, और एक बात हमेशा अपने दिलों और दिमाग में बिठा लेना कि सपने देखने में कोई पैसा कोई पूंजी नहीं लगता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हमेशा बड़े सपने देखिए। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जब से यह महीना प्रारंभ हुआ है, जब से यह साल प्रारंभ हुआ है, तब से आप व्यापार व्यवसाय कैरियर बिजनेस आपके लव लाइफ में और अपने स्वास्थ्य में कई प्रकार के दुख, कई प्रकार के संकटों से, कई प्रकार की मुसीबतों का सामना आपने किया होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि आपको अपने मेहनत के अनुसार सफलता नहीं मिल पा रही है, लेकिन दोस्तों अब आपको संभलने की जरूरत पड़ चुकी है, अब आपको धैर्य से काम लेने की जरूरत पड़ चुकी है, क्योंकि दोस्तों अब आपको इन सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएंगे सारी जानकारियां विस्तार से, वीडियो को एकदम आखिरी तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, तथा माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी जी, लक्ष्मी जी आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाकर रखेगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आज आपको वो कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है जिससे आपके भी होश उड़ा देगी। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए आनंदमय रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज आपके घर में खुशियां दस्तक देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपके चारों ओर का वातावरण काफी सुखमय रहने वाला है और आज आपको एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिलती रहेगी, जिससे आपका मन काफी ज्यादा प्रसन्न रहेगा और आपके घर में कोई ऐसे मेहमान दस्तक देने वाली है जिससे आपके घर में खुशियों की रौनक दिखाई देगी। जी हाँ दोस्तों, माता पिता का आशीर्वाद बना हुआ है और जिन लोगों की शादी के बहुत दिन हो गए हैं, उन लोगों के जीवन में अब एक नन्हे मेहमान की किलकारी संबंधी शुभ समाचार, गुड न्यूज दस्तक देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज आपका रुका हुआ पैसा मिलेगा और जिन लोगों ने अपनी नौकरी में बदलाव के बारे में, प्रमोशन के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, उन्हें अब आने वाले समय में इच्छा पूरी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, और सबसे इम्पोर्टेंट और जरूरी बात यह है कि कार्य क्षेत्र में आज आप अच्छा प्रदर्शन करके अधिकारियों को हैरान कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके लिए रचनात्मक कार्यों से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी वाणी व व्यवहार लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेंगी। आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय सूझबूझ से लेना होगा और आप अपने जीवन साथी को कोई सरप्राइज भी दे सकती हैं। यदि काम को लेकर परेशान चल रहे थे तो उनमें आप अपने पिताजी से बातचीत कर सकती हैं।
जी हाँ दोस्तों, तभी उन समस्या का समाधान मिलेगा। विद्यार्थियों ने यदि किसी परीक्षा को दिया था तो उनके परिणाम शुभ आ सकते हैं और उन्हें उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए दिन थोड़ा सा कमजोर रहेगा। जी हाँ, अगर आप प्रयास करेंगे तो आपकी बात बन सकती है, लेकिन प्रयास आज के दिन आपको ज्यादा करना होगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों इतना ध्यान रखिएगा, आज आपको किसी जोखिम भरे काम को करने से बचना होगा, नहीं तो समस्या आ सकती है। और आपको अपने कामों में जो है विनम्रता बनाए रखें। किसी निवेश संबंधित मामलों में आप जो है ध्यान रखें। किसी सरकारी काम में आज आप अधिकारियों से ना उलझें, नहीं तो आपका वह काम लंबा टल सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग विदेश की यात्रा पर जाने की कोशिश में लगे हुए हैं, उन्हें आज कोई मौका मिल सकता है। आपका कोई बड़ा लक्ष्य आज पूरा हो सकता है, जिससे आपको खुशी होगी और आप परिवार में किसी छोटी मोटी पार्टी का आयोजन भी कर सकती हैं, जिसमें पूरा परिवार काफी ज्यादा खुश रहेगा। कुल मिलाकर आज का दिन आपकी पद व प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आज आपको लाभ के एक भी अवसर को हाथ से जाने नहीं देना है और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में आज आपकी किसी पुरानी गलती से पर्दा उठ सकता है, जिनका आपको लंबे समय से भय रहा था। जी हाँ दोस्तों, आपके कुछ मित्र आज आपके लिए मददगार रहेंगे और किसी महत्वपूर्ण काम के पूरा होने से आज आपको खुशी होगी, जिसके बाद आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अनजान लोगों से थोड़ा दूर ही रहिएगा, बात वगैरह मत कीजिएगा, नहीं तो दिक्कतें आपके लिए बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अभी समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आज का दिन आपके लिए उन्नति दिलाने वाला रहेगा। आपको नेतृत्व क्षमता का पूरा लाभ मिलेगा, लेकिन आप अपने रूटीन को बेहतर बनाए रखें। यदि आपने उसमें बदलाव किया है तो वह आपको परेशान होना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, किसी कानूनी मामले में आप जो है टांग न अड़ाएं, नहीं तो आपको उसके लिए कोई दंड भी मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, खासकर आज के दिन थोड़ा सा सावधान रहिएगा तो बाकी समय आपके लिए अच्छा रहेगा। संतान पक्ष की ओर से आप आज किसी काम के पूरा न होने के कारण निराश रहेंगी, लेकिन फिर भी वो आपको मनाने में कामयाब रहेंगी और विद्यार्थी को अपनी शिक्षा में आ रही समस्याओं के लिए अपने गुरुजनों से बातचीत करनी होगी। जी हाँ, तभी उन समस्या का समाधान मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला है। आपको किसी सरकारी काम में उसके नीति व नियमों पर पूरा ध्यान देना होगा और भाग्य के दृष्टिकोण से दिन काफी अच्छा रहने वाला है, लेकिन उसके साथ साथ आपको मेहनत भी करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी आज अपने कुछ सहयोगियों से किसी बात पर झड़प हो सकती है, वाद विवाद होने की आशंका लग रही है, थोड़ा सा सावधान रहिएगा और छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़िएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको किसी को बिना मांगे सलाह देने से खास तौर पर आज के दिन बचना होगा। जी हाँ, और आपने यदि किसी काम को कल पर टाला हुआ है तो बाद में उसे समस्या आ सकती है, क्योंकि दोस्तों वो काम अभी के लिए है, इसलिए उसे अभी ही करने की कोशिश करें। अगर आपने सोच लिया कि बाद में करेंगे तो वह हमेशा के लिए पेंडिंग में रह सकता है, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी समय आपके लिए अच्छा रहेगा। भाग्य आज आपका 80% साथ निभाने वाला है। दोस्तों, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जिस भी भगवान को सच्चे दिल से मानते हैं उनका नाम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो।